हेलो एवरीवन, आज हम 12.2 कंप्लीट करेंगे। इसमें एलिमेंट से इसमें टोटल 4 ही क्वेश्चंस हैं, तो एक ही वीडियो में हो जाएंगे। देखिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इसमें जो भी हम डिस्कस करेंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पोजीशन वेक्टर होता क्या है। किसी भी एक पॉइंट का, मान लो कोई एक पॉइंट है हमारा ए है, तो किसी पॉइंट की किसी एक फिक्स पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट है हमारा, कोई फिक्स पॉइंट है ओ, इस ए पॉइंट की इस फिक्स पॉइंट से बीच की ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे, इसकी ये जो ये इसकी पोजीशन है, इसको लिखेंगे कैसे, ओ से ए के बीच की, ये वेक्टर बन गया हमारा ओ ए वैक्टर। अब ऐसे यहाँ से ए से बी लगा लो कोई भी, 0 to A, या ए से बी कोई भी एक वैक्टर है, जैसे एक पॉइंट उठा लो बी, यहाँ से ए टू बी हो गया। अब इसको ट्रेंगल बना लेते हैं हम। ट्रेंगल लॉ क्या करता है, ट्रेंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा हमने कि नहीं, दो साइड्स का सम तीसरी के साइड्स के सम अपोजिट के साइड के इक्वल होगा। ये ऐसी डायरेक्शन जा रही है तो तीसरे वाली ये होगी, यानी कि ओ ए प्लस प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी। यहाँ से ए बी निकाल लेंगे हम, ए बी इक्वल टू ओ बी, ये ओ ए उधर शिफ्ट हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये ओ बी है क्या, ये ओ बी बी का पोजिशन वैक्टर है, लिख लेती हूँ मैं इसको पोजिशन वैक्टर ऑफ बी। और ये ओ ए क्या है, ओ ए ये है ए का पोजिशन वैक्टर, पोजिशन वैक्टर ऑफ ए। तो डायरेक्ट हमारा ये फॉर्मूला बन गया है, ए से बी तक कोई वेक्टर हमें ए टू बी निकालना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट, या लिख देती हूँ मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल, मतलब जहाँ पहुँचना है हमें वो पॉइंट, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। अब बात करेंगे इसमें एक कंसेप्ट और की, ये तो हम डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे अगर मेरे को पी क्यू निकालना है, पी क्यू वैक्टर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी, ये हम क्वेश्चंस के साथ क्लियर करेंगे। अब इसमें एक कंसेप्ट का और यूज है हमारा, कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर या फिर कोलिनियर पॉइंट हमने पढ़ा है, दो या दो से ज़्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पे आए तो उसको कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। अब बात यहाँ वेक्टर की है, वेक्टर में यहाँ पे दो कंडीशन चलती हैं कोलिनियर की, एक तो यह हमारा पैरेलल होगा या फिर नॉन पैरेलल होगा वेक्टर, लेकिन एक कंडीशन और होती है यहाँ पे पैरेलल के साथ कि इक्वल आ जाइए। मतलब ये तो सबको पता ही होता है कि दो या दो से ज़्यादा पॉइंट अगर एक उस पे आए, मान लो एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तीसरा वेक्टर सी है, अब हमें इनको तीनों को कोलिनियर दिखाना है। तो एक तो ये है कि डायरेक्ट ए बी, ए से बी तक निकाल लेंगे हम, ए से बी तक कोई भी वेक्टर निकाल लिया हमने ए से बी तक, अगर ये लैम्डा टाइम बी सी के इक्वल आ जाए, लैम्डा टाइम मतलब कोई एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन आ जाए इसके, तो हम इसको बोलेंगे ये कोलिनियर है। या फिर इनके ये जो बी सी है इसके प्रोपोर्शनल में आ जाए इनके स्केलर्स। थर्ड ये कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हमारी एक ही लाइन पे हो, ये लाइन हमारी पैरेलल भी हो सकती है। ये वाली लाइन ले लो, ये लाइन है ए बी वेक्टर है कोई, ये है सी डी है कोई अलग से, तो हम ये बोल रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं, क्या ये कोलिनियर है। अगर इसके मल्टी इसके फैक्टर क्या बोलते हैं इसको, जैसे इस टाइप का हमारा वेक्टर है 2i+3j+4k, इसके जो स्केलर्स हैं आपस में प्रोपोर्शनल हैं, तो हमको ये बोल देंगे कि ए बी इसके पैरेलल है, यानी कि कोलिनियर है। एक थर्ड पॉइंट और होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट से, अगर किन्हीं दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो है, अगर किन्हीं दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, इट मीन्स ये दोनों वेक्टर हमारे पैरेलल होंगे। चलिए अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पोजिशन वैक्टर ऑफ 4 पॉइंट्स ए बी सी डी आर रिस्पेक्टिवली, ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ए हमारा ये है, बी ये, इस टाइप से, सो दैट ए सी डी बी बी सी एंड डी ए, ये हमने प्रूव करना है। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट हमने क्या लेना है, ए सी,
एसी वेक्टर निकालना है तो क्या फॉर्मूला बताया अभी अभी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मतलब पहले टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, उसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, सी उठा लेंगे यहाँ से, सी का पोजीशन वेक्टर इन्होंने दे रखा है 3a प्लस 2b, इसमें से माइनस करना है a का पोजीशन वेक्टर, a ये हो जाएगा हमारा 3a माइनस a, 2a प्लस 2b, यही प्रूव करना था 2a प्लस 2b। अब चलते हैं नेक्स्ट पे db, सेम फॉर्मूला, पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ d, b का पोजीशन वेक्टर दे रखा है इन्होंने b माइनस d का है 2a माइनस 3b, सब्ट्रैक्ट कर देंगे b माइनस माइनस प्लस 4b माइनस 2a, 4b माइनस 2a। नेक्स्ट है bc, फॉर्मूला है पोजीशन वेक्टर ऑफ c माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ b, c कितना है हमारा 3a प्लस 2b माइनस b है b वेक्टर, ये हो जाएगा 3a 2b माइनस b प्लस b, 3a प्लस b, लास्ट रह गया da, पोजीशन वेक्टर ऑफ a माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ d, a का पोजीशन वेक्टर है a और d का है 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b, सब्ट्रैक्ट कर देंगे a माइनस 2a, माइनस a माइनस माइनस प्लस 3b, सेम। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी आर, थ्री पॉइंट दे रखे हैं, इनका पोजीशन वेक्टर इस टाइप से है, फाइंड द वेक्टर, ये हमें फाइंड करना है ए बी बी सी एंड ए सी इन टर्म ऑफ ए एंड बी, आल्सो वेरीफाई, ये हम बाद में करेंगे। देखो ए बी सी हमने लिख लिया है, अब यहाँ से ए बी निकालना है सबसे पहले, सेम फॉर्मूला, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बी का पोजीशन वेक्टर है हमारा ए प्लस थ्री बी, ए प्लस थ्री बी माइनस, ए का है फोर ए माइनस थ्री बी, ये हो जाएगा ए माइनस फोर ए माइनस थ्री ए प्लस थ्री बी माइनस माइनस प्लस 6b। नेक्स्ट है bc, पोजीशन वेक्टर ऑफ c माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ b, c का पोजीशन वेक्टर है माइनस 5a प्लस b माइनस b का है a प्लस 3b, ये हो जाएगा माइनस 5a माइनस माइनस 6a प्लस बी, बी माइनस थ्री बी माइनस टू बी। थर्ड है ए सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, सी का पोजीशन है माइनस फाइव ए प्लस बी माइनस, ए का पोजीशन वेक्टर है फोर ए माइनस थ्री बी, ये हो जाएगा माइनस फाइव ए माइनस फोर ए माइनस नाइन ए माइनस माइनस प्लस बी प्लस थ्री फोर बी, तीनों निकल चुके हैं हमारे। अब इसने कहा है कि ऑल्सो वेरीफाई दैट ए बी प्लस बी सी, अगर ए बी और बी सी को प्लस करें तो ए सी आए, ए बी और बी सी प्लस करते हैं यहाँ पे, ए बी प्लस बी सी, लेफ्ट साइड उठाते हैं यहाँ से, ये हो जाएगी, ये है माइनस थ्री ए प्लस सिक्स बी प्लस बी सी है माइनस
सिक्स ए माइनस टू बी माइनस थ्री ए प्लस सिक्स बी माइनस सिक्स ए माइनस टू बी. ए है हमारा माइनस नाइन ए, ये हो जाएगा प्लस फोर बी. ये क्या इसके इक्वल है? दैट्स इक्वल टू ए सी. हैंस प्रूव्ड. थर्ड क्वेश्चन देखिए. सो दैट द पॉइंट्स हैविंग पोजिशन वैक्टर, तीन पॉइंट का पोजिशन वैक्टर दे रखा है इन्होंने, ये हमें कोलिनियर प्रूव करने हैं. कोलिनियर के लिए क्या बताया था? या तो जो थ्री पॉइंट्स है वो एक ही लाइन पे होने चाहिए, या फिर वो एक दूसरे का कुछ ना कुछ मल्टीपल्स होना चाहिए. तो मान लेते हैं एक पॉइंट हमारा ये है, ये बी है, ये सी है. तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे यहाँ से, उसके बाद हम निकालेंगे बी सी. अगर ये बी हमने कॉमन लिया ना दोनों में, तो इट मीन्स ये एक ही लाइन पे बनेंगे. अगर ये ए बी की जगह हम दूसरा सी डी लेते तो वो इसके पैरेलल चला जाता. तो ए बी निकालते हैं, इन पॉइंट्स को मान लेंगे, ये हमारा है ए, ये बी और ये सी. तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं. पोजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए. बी है हमारा ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी, इसमें से माइनस करना है ए का पोजिशन वैक्टर. ये है माइनस टू ए प्लस थ्री बी प्लस फाइव सी. ए माइनस माइनस प्लस टू ए थ्री ए टू बी माइनस थ्री बी माइनस बी थ्री सी प्लस माइनस 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 फाइव माइनस टू सी. ये हो गया हमारा ए बी वैक्टर. अब निकालेंगे हम बी सी वैक्टर. बी सी पोजिशन वैक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ बी. यहाँ पे सी का पोजिशन वैक्टर दे रखा है सेवन ए माइनस सी, माइनस बी का है ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी. ये हो जाएगा सेवन ए माइनस ए सिक्स ए. बी यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे माइनस टू, जीरो माइनस टू माइनस टू बी. सी है हमारा माइनस वन प्लस माइनस 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 थ्री माइनस फोर सी. अब क्या देखना हमने, ये जो ए बी है और ये हमारा बी सी है, क्या ये इसका कोई ना कोई मल्टीपल है? देखो यहाँ पे तीनों में क्या कॉमन आउट आ रहा है, टू का मल्टीपल है. ये टू कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा टू थ्री जा सिक्स माइनस बी माइनस टू टू जा फोर. अब देखेंगे क्या ये ए बी वैक्टर बन रहा है. हाँ ये सेम है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी से बन गया. अगर कोई वैक्टर है हमारा ए बी लैमडा टाइम किसी वैक्टर के है बी सी, इट मीन्स क्या है कि जो ए बी वैक्टर है हमारा ये कोलिनियर होएगा किसके, बी सी के. या फिर डायरेक्ट हम ये बोल सकते हैं वैक्टर ए इक्वल टू लैमडा टाइम बी, इट मीन्स ए एंड बी आर कोलिनियर. हाँ देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, सेम है थर्ड की तरह. थ्री पॉइंट्स दे रखे हैं हमें ए बी सी, इनको कोलिनियर प्रूव करना है. तो सेम पिछले की तरह ए बी सी. तो क्या निकालेंगे, यहाँ से हम ए बी निकाल लेंगे, यहाँ से बी सी निकाल लेंगे और फिर इन दोनों को प्रोपोर्शनल दिखा देंगे. तो ए बी निकालते हैं हम, ये हो जाएगा पोजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए. बी का पोजिशन वैक्टर है हमारा 2a प्लस 3b माइनस 4c और a का है a माइनस 2b प्लस 3c. सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2a माइनस a, a 3b माइनस माइनस प्लस 5b माइनस 4c माइनस 3c माइनस 7c. नेक्स्ट है bc, ये हो जाएगा पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ बी. सी का पोजिशन वेक्टर है माइनस सेवन बी प्लस टेन सी, बी का है टू ए प्लस थ्री बी माइनस फोर सी. ये हो जाएगा हमारा माइनस सेवन माइनस टू,
माइनस नाइन ए टेन सी बी, और यहाँ पे देखो क्या हो गया, ए यहाँ पे ए वेक्टर है ही नहीं, जीरो माइनस टू माइनस टू ए, माइनस सेवन माइनस थ्री माइनस टेन बी, और ये है टेन सी माइनस माइनस प्लस फोर सी, ये हो जाएगा फोर्टीन सी। अब हमें क्या दिखाना है कि ये जो ए बी वेक्टर है और ये जो बी सी वेक्टर है ये एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है या नहीं। तो पहले कॉमन आउट लेते हैं इनमें से, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं माइनस टू, ये हो जाएगा ए माइनस कॉमन है तो प्लस फाइव बी माइनस सेवन सी, यही हमारा ए बी है, ए प्लस फाइव बी माइनस सेवन सी, ये हमारा लैम्डा हो गया। क्या थी कोलिनियर की, ए इक्वल टू लैम्डा बी, अगर इस फॉर्म का हमारा तो ये हमारे कोलिनियर है। यहाँ पे लैम्डा किसका काम कर रहा है, माइनस टू का। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।